जागो रे गोपाल लाल भोर भयो अंगना, जागो रे गोपाल लाल भोर भयो अंगना, जागो रे गोपाल लाल भोर भयो अंगना, बाघ के भटोई चले पंछी चले चुगुना, जागो रे गोपाल लाल भोर भयो अंगना। कन्नो ओ काना सुबह हो गई है, ओ बैठे हो जाओ काना, काना बैठे हो जाओ, नींद आ रही है आपको, बैठो जाओ काना, बैठो जाओ रे। देखिए हम अपने काना को स्नान कराने के लिए सबसे पहले ये शुद्ध जल में थोड़ा सा हमने गंगा जल मिला लिया है, और हम पहले शुद्ध जल से काना जी को स्नान कराएंगे, फिर दूध का स्नान कराएंगे, फिर घृत से स्नान कराएंगे, अपने काना जी को कपड़े उतार देंगे काना के, और हम नाई नाई कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे हम ये काना जी को। हम ये हमारा दक्षिणवर्ती संघ है, इसमें हम स्नान करा रहे हैं। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। काना जी को हमने यहाँ बैठा दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं लोटा में, पर हम दूध के स्नान कराते हैं दूध से इस संघ इसमें दक्षिणवर्ती संघ में। हरि ओम 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 हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रीवर्मोक्तम करतले वेणुकरकङ्कणम् सर्वांगे हर चंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली गोप की परवेश तो विजयते गोपाल चूनामणि। अब हम थोड़ा शहद से स्नान कराते हैं अपने काना जी को, शहद का स्नान कराते हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शहद का स्नान किया हमने, कराया अपने, अब हम अपने काना जी का शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। शुद्ध जल से स्नान करा दिया, गंगा जल मिला हुआ है इसमें, शुद्ध जल से स्नान करा दिया, शुद्ध जल से हमने काना जी का स्नान करा दिया। अब हम काना जी को कपड़े पहनाएंगे अपने काना जी को, है काना जी को कपड़े पहनाएंगे, और हमने एक वस्त्र अपना बना रखा है काना जी को स्नान कराने के बाद पहुँचते हैं, जैसे हम अपने तौलिया से पहुँचते हैं, ऐसे हमने ये काना जी की अलग से तौलिया बना के रखी है, इससे हम काना जी का शरीर पहुँच देते हैं, जैसे हम अपने शरीर को पहुँचते हैं वैसे काना जी के शरीर को पहुँचते हैं। अब हम काना जी को यहाँ पुनः गद्दी पर स्थापित कर देते हैं, इनको कपड़े पहनाते हैं। सबसे पहले हम इनको कपड़े पहनाते हैं, फिर इनका श्रृंगार करेंगे। ये आज ये लाल कपड़ा पहनाते हैं, रविवार है आज, सूर्य भगवान का दिन है, तो आज हम ये लाल कपड़े पहनाते हैं बढ़िया से, और इस पे हमने अपने काना जी को बैठा दिया, ये बैठा दिया काना जी को बैठा दिया। और हम फिर अब इनके क्या करेंगे, माला पहनाएंगे, माला पहना देंगे काना जी को, माला पहना देंगे, ये हमने अपने काना जी को माला पहना दी है। अब हाथों में कड़े पहना दें, कड़े हैं ये, ये दोनों हाथों में कड़े पहना दिए अपने काना जी को, कड़े पहना दिए। देखिए हम अपने काना जी की कैसे सेवा करते हैं, ये सभी देखें, अपने घर में काना जी की पूजा करें। काना जी की पूजा करने से घर में कोई संकट नहीं रहता है, घर में सुख शांति रहती है। और ये मुकुट धारण कर दिया, अब इनकी बंसी, बंसी बहुत प्रिय है काना जी, हर समय बंसी अपना साथ रखते हैं, ये इनके अधरों से होठों से बंसी लगी होनी चाहिए। ऐसे हम अपने काना जी का श्रृंगार कराते हैं। देखिए हमारे काना जी सज गए हैं, आप हमारे काना जी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। अब हम काना जी को स्नान के बाद माल्यार्पण करते हैं, शुद्ध जल से हमने
माला पर जल छिड़क लिया। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वास्तांगतो पीवाई है इसमें पुंडी का क्षम सहवाई अभ्यंतर पुरात्मा। कान्हा जी को हमने माला पहना दी, ये माला पहना दी हमने कान्हा जी को, है माला पहना दी अपने कान्हा को और गुलाब के फूल लगा दिए खुशबू के लिए, हैं गुलाब के फूल लगा दिए हमने कान्हा के पास। सुंदर लगे हमारे कान्हा, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। इनके ऊपर अब हमने इत्र भी डालेंगे, थोड़ा सा इत्र जो है का हम अपने देखिए हम कान्हा पे अपने पे इत्र डाल लें, खुशबू वाला इत्र है। वाह, कान्हा जी को भगवान के ऊपर, ये गुरुदेव के ऊपर हम इत्र डाल लें, इत्र डालें। अब हमने इत्र को बंद कर दिया, कान्हा जी को माला पहना दी। अब हम माता रानी को माला पहनाएंगे, जल्दी स्नान करा लिए और ये माता जी को हम माला पहनाएंगे। माता जी को गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, सुंदर माता जी को बड़े पसंद हैं गुलाब के फूल, हैं। और इनका शेर है, इनके पास भी हम पुष्प रख देते हैं। माता का शेर यहाँ ढका रहता है, साथ में रहता है। और हम माता जी को इत्र भी सुनाएंगे। देखिए हमने थाली में प्लेट में हमने पुष्प रख लिए, इसके ऊपर हम यहाँ बीच में दीपक रख देंगे और फिर हम दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्ते। दीप प्रज्वलन कर दिया और हमने यहाँ रख दिया। फिर हम अपना संध्या वंदन करेंगे।